हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम एन एथिकल हैकर। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आपको इस वीडियो के हेल्प से सारी डिटेल पता चल जाएगी कि किन चीजों से आप एक सबसे खतरनाक एथिकल हैकर बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। एथिकल हैकर एक ऑथराइज प्रैक्टिस है जिसमें प्रोफेशनल लोग खतरों और कमजोरियों की पहचान करने के लिए सिस्टम और नेटवर्क में अटैक करते हैं। जैसा कि एक अटैकर अटैक करता है, वो कमियां पता करने की कोशिश करते हैं ताकि कहीं अटैकर को उस वल्नरेबिलिटी का पता चल जाएगा तो वो उनके सारे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एथिकल हैकिंग को पेंटेस्ट टेस्टिंग भी कहा जाता है। यह प्रशिक्षण के दौरान पाई गई कमजोरी को ठीक करके नेटवर्क या सिस्टम की सुरक्षा में सुधार करने का इरादा रखता है। एथिकल हैकर्स मैलिशियस हैकर द्वारा यूज किए जाने वाले मेथोलॉजी को और टूल का उपयोग करते हैं। हालांकि वे ऑथराइज होते हैं इन टूल्स को यूज करने के लिए, ताकि वो सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके सिस्टम को मैलिशियस अटैकर से। एथिकल हैकर बनने के लिए आपको कुछ मैंडेटरी स्किल आनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली है बेसिक हार्डवेयर स्किल। एक एथिकल हैकर को हार्डवेयर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इससे सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। एक एथिकल हैकर को पता होना चाहिए कि मशीनें कैसे काम करती है, मदरबोर्ड कैसे काम करता है, यूएसबी कैसे डेटा ट्रांसफर करता है, या सीमॉस या बायोस एक साथ कैसे काम करता है। दूसरा है नेटवर्किंग स्किल। एथिकल हैकर बनने के लिए नेटवर्किंग स्किल जरूरी है। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर सिस्टम का एक सेट जुड़ा होता है ताकि वे जानकारी साझा कर सके। लैन, मैन, वैन जैसे कई प्रकार के नेटवर्क है जिनका यूज डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है। एक एथिकल हैकर को डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी जैसे स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। एथिकल हैकर्स के लिए नेटवर्किंग स्किल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वे नेटवर्क में कमजोरी और ब्रीचेस की पहचान करते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। तो तीसरा है प्रोग्रामिंग स्किल। प्रोग्रामिंग स्किल कंप्यूटर सिस्टम के साथ बात करने और कोड नामक एक एक्शन करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। कंप्यूटर प्रोग्राम एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए इन कोडों को लिखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल टेक्निकल और लॉजिकल एलिमेंट्स को जोड़ती है। हम कोड को कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट, जावा स्क्रिप्ट, एच टी एम एल, पी एच पी में लिख सकते हैं। एक एथिकल हैकर को इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानना चाहिए, क्योंकि कोड में वल्नरेबिलिटी या एरर हो सकती है। जब आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में ध्यान देना है। तो फोर्थ नंबर का है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एथिकल हैकिंग एक एक्साइटिंग करियर है जिसमें आप नियमित रूप से नई चुनौतियों का सामना करते हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए एथिकल हैकर्स के पास मजबूत एनालिटिकल और प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। साइबर थ्रेट्स लगातार विकसित हो रहे हैं, इसलिए उन्हें नई नई तकनीकों को सीखने के लिए एक्साइटेड होना चाहिए। हाल ही में उजागर हुई कमजोरियों से अवेयर होना चाहिए। पांचवा आता है लिनक्स स्किल। लिनक्स ओपन सोर्स यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कम्युनिटी है जो लिनक्स कर्नल पर बेस्ड है। यह एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और सोर्स कोड को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। एथिकल हैकर के लिए लिनक्स सीखने का मेन कारण सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में अधिक सुरक्षित है। इसका मतलब यह नहीं कि लिनक्स 100% सेफ है, इसके लिए कुछ मलवेयर है, लेकिन यह किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में कम वल्नरेबल है, इसलिए इसके लिए किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। तो सिक्स्थ है क्रिप्टोग्राफी स्किल। एथिकल हैकर के लिए क्रिप्टोग्राफी स्किल जरूरी है। क्रिप्टोग्राफी डेटा सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली की फैक्टर और एल्गोरिथम का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें डेटा को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न तरीके और तकनीक के शामिल किया गया है, जैसे कि एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर एक्सेट्रा। क्रिप्टोग्राफी में हम दो प्रकार के एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज करते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक टेक्निक में सेंडर और रिसीवर दोनों एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही की यूज करते हैं, लेकिन एसिमेट्रिक में दोनों अलग अलग की यूज करते हैं। सातवां आता है डेटाबेस स्किल। डेटाबेस एक
तकनीक है जिसका उपयोग डेटाबेस बनाने और मैनेजिंग करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर हैकर कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने के लिए डेटाबेस को टारगेट करते हैं। एक एथिकल हैकर को पता होना चाहिए कि एसक्यूएल, MySQL या ओरेकल जैसे डिफरेंट डेटाबेस की कमजोरियों और सुरक्षा खतरों को कैसे ठीक किया जाए। DBMS स्किल आपको डेटाबेस पर सभी नेसेसरी ऑपरेशन करने में सक्षम बनाती है, जैसे कि क्रिएटिंग, रीडिंग, अपडेट करना और हटाना। DBMS की समझ आपको डेटा इंटीग्रिटी के लिए सिस्टम की जांच करने में मदद करेगी। आठवां आता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग गोपनीय जानकारी का खुलासा करने के लिए लोगों को समझाने की एक प्रक्रिया है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपनी वैल्यूएबल जानकारी से अनजान है और इसकी सुरक्षा के प्रति लापरवाह है। सोशल इंजीनियरिंग हमला करने से पहले एक हमलावर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जैसे डिफरेंट संसाधनों से टारगेट के बारे में जानकारी कलेक्ट करता है, जहाँ कर्मचारी की ID, नाम, ईमेल एड्रेस मेंशन होता है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमलावर पीजी बैंकिंग और रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग जैसे डिफरेंट टेक्निक का यूज करके सोशल इंजीनियरिंग के हमलों को अंजाम देता है। नाइन्थ है वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस नेटवर्क एक बाउंडलेस डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने और डेटा प्राप्त करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्निक का यूज करता है। यह दो अलग अलग पॉइंट्स को आपस में जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करता है, उनके बीच कोई फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश किए बिना। एक हमलावर किसी भी मैलिशियस एक्टिविटी को करने के लिए इन पॉइंट्स के बीच इंटरसेप्ट कर सकता है। यही कारण है कि एक एथिकल हैकर के लिए वायरलेस टेक्निक का बेसिक नॉलेज इम्पोर्टेंट है। तो 10th नंबर का है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन ऑनलाइन बिजनेस का एक इंटरप्रेल है, अंग है। इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग, ईमेल, चैट और सोशल नेटवर्किंग सहित डिफरेंट पर्पस के लिए वेब एप्लीकेशन का यूज करता है। वेब एप्लीकेशन अधिक वल्नरेबल होते जा रहे हैं। वेब डेवलपमेंट एथिकल हैकर्स को वेब अटैक को समझने और साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वेब एप्लीकेशन हैकिंग मेथोलॉजी को जानने में सक्षम बनाता है। एक एथिकल हैकर को वेब एप्लीकेशन हमलों के खिलाफ अपने संगठन की सुरक्षा का आकलन करने के लिए इन तरीकों का उपयोग कर सकता है। 11th नंबर का है पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल। एथिकल हैकर्स को पेनिट्रेशन टेस्टिंग की नॉलेज होना चाहिए, जो सिस्टम में कमजोरी की पहचान करने में मदद करता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एथिकल हैकर्स को वास्तविक हमलों से होने से पहले किसी भी कमजोरी को कम करने की अनुमति देता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में 5 स्टेप शामिल है, जैसे रिकॉग्निशन, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस और डिफरेंट टूल का यूज करना, एनालाइज करना, जैसे कि एनमैप, मेटास्प्लॉइट, वायरशार्क और हैशकैट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।